गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर GMET PG 2023 काउंसलिंग शेड्यूल। तो MBA क्लासेस की एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। MBA 2 ईयर कोर्सेज़ के लिए तो जो डेट है वो आपको दी गई है, उसके बाद रैंक दिया गया है, उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम। जो फर्स्ट डेट है काउंसलिंग की वो है 17/7/2023 मंडे। जो रैंक है वो है 1 से लेके 48 तक। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM। रैंक 53 से लेके 95 तक। रिपोर्टिंग टाइम 11 AM। रैंक 104 से लेकर 140 तक 2 PM रिपोर्टिंग टाइम। उसके बाद रैंक 156 से लेकर 197 तक। रिपोर्टिंग टाइम 3:30 PM। उसके बाद नेक्स्ट डे है काउंसलिंग का 18/7/2023 ट्यूसडे वाले दिन। रैंक 204 से लेकर 252 तक। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM। रैंक 260 से 303 तक। रिपोर्टिंग टाइम 11 AM। उसके बाद उसी दिन ही SC कैटेगरी ऑल रैंक्स, BC कैटेगरी ऑल रैंक्स और ऑल अदर रिजर्व कैटेगरीज, इन सभी का रिपोर्टिंग टाइम 2 PM 18/7/2023 को ही। उसके बाद नेक्स्ट डे काउंसलिंग का वो है 19/7/2023। तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स भी इसी दिन आएंगे। काउंसलिंग फॉर वेटिंग लिस्ट एंड रिमेनिंग रैंक्स, ऑल जनरल कैटेगरी वेटिंग लिस्ट जब पब्लिश होगी उनको आना है, और साथ साथ में जो रैंक है 310 से लेकर 435 तक और रिमेनिंग रैंक्स उन्होंने भी आना है। वेटिंग लिस्ट वालों की टाइमिंग है 8 AM और बाकी ऑल रिमेनिंग रैंक्स की टाइमिंग है 2 PM। और जो वेन्यू जो लोकेशन है वो है कॉन्फ्रेंस हॉल ग्राउंड फ्लोर महाराजा रणजीत सिंह भवन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और इसमें आपको बताया गया है जो रिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में अपेयर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि फिज़िकल तौर पर कैंडिडेट को प्रेजेंट होना ज़रूरी है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद नीचे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए वो सारे इन बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, जिन्होंने भी अपनी जो लोअर एग्जामिनेशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन मोड ODL या फिर लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए किए हैं किसी यूनिवर्सिटी से GNDU यूनिवर्सिटी के अलावा, तो वो सबसे पहले जनरल ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ओरिजिनल लेके आएंगे, डिग्री डिप्लोमा रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन होनी है। कोई भी सुविधा केंद्र की प्रूफ नहीं चलेगा, जैसे कैटेगरी प्रूफ कई सुविधा केंद्र से बनवा के ले आते हैं रिसिप्ट, तो वो नहीं चलेगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बताया गया है कि जो रिज़र्व कैटेगरीज हैं SC BC फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स, वो बस पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बताया गया कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी लास्ट स्टडी किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की या GNDU यूनिवर्सिटी के अलावा, तो वो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे एडमिशन के बाद एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स। उसके बाद सिक्स पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो वो एक सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा के ले आएंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि उस स्टूडेंट ने वो डिग्री रेगुलर मोड में की है। उसके बाद सेवन पॉइंट में आपको बताया गया कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, तो उस स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगी पहले जिस स्टूडेंट के हायर मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होंगे, और जो कैंडिडेट ओल्डर होगा मतलब कि जिसकी एज ज़्यादा होगी। उसके बाद एट्थ नंबर पर आपको बताया गया कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए वो ऑन दी स्पॉट फीस सबमिट करवाएंगे नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू। चेक अलाउड नहीं है। जो फीस है वो बस फर्स्ट सेमेस्टर की लगेगी। यहाँ पर आपको दिए गए हैं सीरियल नंबर, कोर्स और फीस। फर्स्ट नंबर MBA फाइनेंस फीस 83,865। सेकेंड नंबर MBA 2 ईयर कोर्स फीस 83,865। थर्ड नंबर MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीस 83,865। फोर्थ नंबर MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट फीस 83,865। उसके बाद फिफ्थ नंबर MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फीस
20,353। तो ये जितनी फ़ीस है ये बस फर्स्ट सेमेस्टर की है जो आपको ऑन दी स्पॉट सबमिट करवानी है। उसके बाद 9 नंबर में आपको बताया गया कि जो पंजाब गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है वो पहले जनरल कैटेगरी की होगी, उसके बाद SC बैकवर्ड क्लासेस की। उसके बाद 10th नंबर पे आपको बताया गया कि अगर किसी कैंडिडेट का कोई सर्टिफिकेट गलत हुआ जहाँ वो काउंसलिंग के टाइम कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसकी एडमिशन उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 11th नंबर पे आपको बताया गया कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए वो जितने भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेके आएंगे वो सभी ओरिजिनल लेके आएंगे, और उसके साथ साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपीज और आपने हार्ड कॉपी भी लेके आनी है एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट करवा कर ऑनलाइन। तो सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म आपने लेके आना है जो आपको कोऑर्डिनेटर से मिलेगा। उसके बाद 2nd नंबर पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा कर कैंडिडेट एरिया और डैशबोर्ड से डाउनलोड करके वो लेके आना है। उसके बाद 3rd नंबर पे 10th की मार्कशीट जिस पे आपकी डेट हो बर्थ हो। 4th नंबर पर डिटेल मार्क्स कार्ड ऑफ ऑल सेमेस्टर, तो जितने सेमेस्टर की आपके पास DMC है वो सारी आप अपने ओरिजिनल लेके आएँ और साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी। और अगर आपके पास 6 सेमेस्टर की DMC ना हो फाइनल ईयर की तो आप इंटरनेट से जो मार्कशीट निकलती है वो प्रिंट करवा कर अपने साथ लेके आ सकते हैं अगर आपके पास DMC नहीं है। उसके बाद 5th नंबर पे करैक्टर सर्टिफिकेट आपने लेके आना है प्रिंसिपल से जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपने लास्ट अटेंड किया होगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने अपने साथ लेके आनी है जो आपने काउंसलिंग फॉर्म पे चिपकानी है ग्लू के साथ, स्टेपल पिन आपने यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपने लेके आने हैं, आपको प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं। उसके बाद जितने भी रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने अपने साथ ओरिजिनल लेके आने हैं और साथ साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी। तो ये था पूरा शेड्यूल काउंसलिंग का। GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।